कप्र के पत्थर पर जो लिखा जाता है उसको कहते हैं क्रिश्चियन डाइज हिज बॉडी इज बेरिड क्रिश्चियन मरता है उसको बॉडी को दफनाया जाता है ऑन हिज ग्रेव इज अ ग्रेव स्टोन और उसका पत्थर किया जाता है सम वर्ड्स आर रिटिन ऑन द ग्रेव स्टोन और उस पर कुछ शब्द लिखे जाते हैं और उसको कहा जाता है एपिटाफ ठीक है द स्पेशल थिंग अबाउट दिस पोइम इज दैट द एपिटाफ इज रिटिन टेन ईयर्स बिफोर द पर्सन डेथ खास बात यह है अपिटाफ तो मरने के बाद ना लिखा जाता है लेकिन ये जो अपिटाफ है कभी अपने मरने के दस साल पहले ही ये लिख दिया पिटाफ समझे ना कभी तो सब अनोखा सब काम करता ही है बर्न्स राइट्स दिस एपिटाफ एंड वॉन्ट दैट इट शुड बी एनग्रेव्ड ऑन हिज ग्रेव स्टोन पहले लिख के तैयार कर दिया है कहता मेरे मरने के बाद मेरे पत्थर पर कब्र कप, के पत्थर पर ये लिखवा दीजिएगा ठीक है इन द आप देखिए क्या क्या है पिताफ पे इन द फर्स्ट टाइम द पोइट अ फूल अपने को मूर्ख कहता है क्या हम विद्वान नहीं हम मूर्ख हैं तो बड़े लोग भी अपने को मूर्ख कर सकते हैं ही he सो बिकॉज ही मिस्टेक्स इन his लाइफ मूर्ख इसलिए कहता है क्योंकि अपने जीवन में कुछ गलतियां वो कर बैठा है इसलिए अपने को मूर्ख कहता है विल एनी वन ड्रॉप अ टियर फॉर सच मैन कहता है ऐसे आदमी के लिए क्या कोई आंसू गिराएगा एक भी आंसू गिराएगा फर्स्ट टाइम था रॉबर्ट बर्नस रोट रस्टिक पोइट्री रस्टिका देहाती कविता लिखता था दिस मीन्स दैट ही रोट अबाउट विलेज लाइफ गाँव के बारे में प्लाओमैन पोएट का क्या कहते हैं हरवाहा कवि प्लाओमैन ऑफ हरमैन हरवाहा तो तो हर कवि भी कहते हैं ही गेव अ पिक्चर ऑफ रूरल स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड के देहात का ये पिक्चर दिया है पर्सनस हु लव रिक पोएम्स शुड कम टू हिज ग्रेव स्टार्ट कहते हैं जो लोग देहाती कविता अच्छी लगती है वो उसके कप कपड़े पर आ सकते हैं एंड ही वसाई वहाँ पर अपना आखे आहे ही वसाई आहे प्रकट करना ही वसाई माना आहे भरना दुख प्रकट करें कहते जो लोग को देहाती कविता अच्छा लगता है वो मेरे कब्र पर आ सकते हैं दिस इज द सेकेंड सा ये हो गया सेकेंड सेंस अब आइए थर्ड में दर्ड सेंसर द पोइटी इज दैट अ पर्सन शुड हैव द राइट एटीट्यूड ये इंपॉर्टेंट है थर्ड में कहते हैं आदमी को नजरिया ठीक होना चाहिए एटीट्यूड ठीक होना चाहिए एटीट्यूड नजरिया पेज टू हो गया पे थ्री माइए यू शुड टेक द प्रॉपर पाथ सही रास्ता अपनाना चाहिए यू शुड टेक द राइट डिसीजन और निर्णय फैसला ठीक लेना चाहिए ये थर्ड स्टैंड हो गया फोर्थ में इन द फोर्थ स्टैंड पोइट कन्फेसिस द मिस्टेक्स ऑफ यंग डेज जवानी में जो गलतियाँ किया था उसको वो कन्फेज करता है जवानी में लोग गलती करते भी हम भी किए हैं इन दोज डेज द पोएट हैड मेनी फ्रेंड्स और जवानी में बहुत सारे दोस्त थे सम ऑफ फ्रेंड्स मिसगाइडेड हिम और कुछ लोग जो है उसको रास्ते से बहका दिए अब लास्ट टैंसर फिफ्थ स्टैंडर ऑफ अ बार्ड्स एपिटाफ इज द लास्ट टैंसर पाँचवा स्टैंडर जो है अंतिम स्टैंडर इन दिस स्टैंडर रॉबर्ट बर्न्स एडवाइजेज है तो क्या उसमें सलाह देता है लास्ट में आदमी को समझदारी होनी चाहिए प्रूडेंस कॉशन सावधानी होनी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए अब देखिये टीएसियट हैज सेम स्टाइल इन द देश या सेम स्टाइल कर सकते हैं या जैसे सकते सेम मैसेज संदेश यहां पर इन द एंड ऑफ द पोएम ही हैज अ मॉरल कॉन टीएस गिव सिंपथाइज एंड कंट्रोल सिंपथाइज ठीक है दत्ता दया दम दमयाता ये संस्कृत में है तो यही दत्ता दुम दमयाता ठीक है रॉबर्ट बर्न वॉन्ट्स दैट रीडर शुड नॉट मेक द मिस्टेक ही हैजॉबर चाहता है कि हम लोग वो गलती नहीं करें जो वो गलती कर चुका है क्योंकि कॉन्टेंट अब स्टाइप आइए इन बार्ड्स एपिटाफ है फाइव स्टैंडर जोड़िए जोड़ देते हैंज सिक्स लाइन हर स्टैंडर में छ लाइन है द लाइन्स आर शॉर्ट छोटा छोटा लाइन है दे आर देर आर गुड राइम्स अच्छे अच्छे राय है जैसे नियर टीयर स्ट्रोंग सॉन्ग वेव ग्रेव क्लियर टीयर पोल होल अच्छे राय में इन कॉन्टेंटल स्टाइल बर्न्स इज डिफरेंट फ्रॉम डाइटन एंड पोप वू केम बिफोर बर्न्स तो कॉन्टेंटल स्टाइल में दोनों में ये ड्राइडन और पोप से भिन्न है और ये लोग ड्राइडन पोप पहले आए थे बाद में ये बोन्स आया ड्राइडन एंड पोप यूज हीरोपलेट इनका क्या स्टाइल है, है। तुकबंदी लॉग याद कीजिए बेटा गुड एग्जांपल ऑफ पोप अ गुड एग्जांपल इज हीरोइक कपलेट कौन है पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इथ में हीरोपलेट दिस पोएम इज अटायर ऑन अ फैशनेबल लेडी बेलिंडा पर समझे ना लेकिन रॉबर्ट बर्न्स गिव न्यू ट्रेंड टू इंग्लिश पोइट्री और रॉबर्ट बर्न जो है लड़कियों पर फैशनेबल लेटी उस पर नहीं लिखता है उसके उच्च उच्च विचार के बारे में कविता लिखता है रॉबर्ट बर्न्स गिव्यू ट्रेंड नई दिशा टू इंग्लिश पोइट्री विलियम ब्लेक एंड रॉबर्ट बर्न्स अच्छा प्री रोमांटिक पोइट्स इसको नाम ही है याद रखिएगा ये क्या है प्री रोमांटिक पोइट्स है दे प्रिपेयर द वे फॉर द ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ कोल्डिज शेली किड्स एंड अदर्स तो क्या कहते हैं प्री रोमै रोमांटिक पहले के, पहले ये आए और ये लोग रोमांटिक कवियों का रास्ता प्रशस्त कर दिए नेचर के बारे में कुछ लिख के नया स्टाइल बना के दैट्स ऑल थैंक यू और कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए हम लोग को और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सएप पर और मैसेज उसमें मैसेज हम नहीं समझ पाते हैं व्हाट्सएप नंबर इतना है मेरा एट टू वन जीरो टू नाइन सेवन थ्री थ्री टू रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा और यह है विकास का एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स आजकल रेलवे में ऑफिसर है बहुत बिजी हो गया आजकल टी वी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं आर्थिक मदद इस नंबर पर करें फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम 8434291664 एम एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर वी गेव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स वो हैव आर टी पी पेशन ग अच्छा हेल्थ है लेकिन उसको ताकत और हम लोग को मदद करना है थैंक यू